हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले जो नए लोग हैं वो एक पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद कपड़े पर कटिंग करें। तो देखिए, पेपर पे सही से कटिंग हो जाएगी, फिर आप कपड़े के ऊपर करें। तो देखिए, एक प्लेन सा पेपर ले लें, उसके बाद आप इसको सिंगल ही रखें, डबल ना करें, सिंगल ही रखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो ब्लाउज है उसका नाप लेना है। अब देखिए, जैसे ये ब्लाउज है तो यहाँ पे हम ऐसे चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पे कितनी चेस्ट है इसकी, 19 19 है। तो इसको हम ऐसे करके डबल कर लेंगे, कितना आ रहा है, 9.5 इंच। अब हम यहाँ पे लेंगे लंबाई का नाप, लंबाई कितनी है, 14 इंच। तो बस ये दो नाप काफी है, आसान और सरल तरीके आपको बताऊंगी। अब देखिए, 14 इंच हमारी लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, 15 इंच ले लेंगे। 15 इंच हमने ले लिया। अब देखिए, जैसे हम डीप गला बना रहे हैं तो हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच। और अब हम लगाएंगे यहाँ पे चेस्ट का निशान, तो कितना, 9.5 इंच, 9.5 इंच हमारा चेस्ट का निशान हो गया। अब आरोमल हम यहाँ पे कितने लेंगे, 6 इंच के। एकदम सिंपल, आसान और सरल तरीका है, बड़ी आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच यहाँ पे लेना ऐसे करके, ऐसे गोलाई। अब हम यहाँ पे लेंगे गुंजाइश, तो गुंजाइश हमेशा हमें ज़्यादा ले लेंगे, तो 1.5 इंच ले लेंगे गुंजाइश, क्योंकि इसको हम ढीला भी कर सकते हैं। अब गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 2 इंच लेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच ले रहे हैं। और यहाँ पे हम एक चौकुटा निशान बनाएंगे पहले, और इसके बाद देखिए गले की चौड़ाई यहाँ से 3 इंच, जो चौड़ा गला पहनना चाहते हैं उस तरीके से 3 इंच ले लें। अब देखिए, हम इसमें गोलाई का निशान लगाएंगे, तो ऐसे करके हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। देखिए, ऐसे गोलाई में, इससे क्या है, नीचे की साइड तो आपकी यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी और यहाँ पे कंधा एकदम फिट आएगा। अब इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे, 5 इंच पे प्लेट का निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। तो अभी हम पहले पीछे का कटिंग करते हैं। गले की तो जैसे मैंने आपको बोला है, आपकी मर्जी है, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हम इस तरीके से हमने कटिंग कर ली पीछे के पल्लर के। अब इसको रखेंगे हम इधर आगे की साइड। तो देखिए, हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ, आगे का पल्लर आप 2 इंच ज़्यादा लीजिए। तो अभी तो हम इसी के बराबर कटिंग करेंगे, लेकिन लंबाई में हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमने कटिंग कर ली। देखिए, तो यहाँ पे देखिए आरोमल मेरे पीछे के बराबर है, और यहाँ पे क्या ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पे लंबाई 2 इंच ज़्यादा है। इस तरीके से पीछे की लंबाई हमारी यहाँ पे आ रही है, और 2 इंच हमने आगे की लंबाई ज़्यादा ली है। अब देखिए, पीछे के पल्लर में, आगे के पल्लर में यहाँ पे 1/2 इंच मैंने कपड़े को बढ़ाया है, क्योंकि हुक वाली पट्टी लगाते हैं ना, इसलिए। तो इसको हटा दें। अब इसके बाद 2 इंच यहाँ पे भी आगे का जो गला है उसकी चौड़ाई लेंगे, और गले की लंबाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, 6 इंच की रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से गोलाई। अब देखिए, यहाँ पे हमें 1/2 इंच आगे का जो पल्लर है इसकी कटिंग कर लेंगे, 1/2 इंच, क्योंकि आगे की साइड झोल आती है ना, वो नहीं आएगी इस तरीके से कटिंग करने के बाद। अब यहाँ पे लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरे का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 13 इंच पे, सीधा निशान लगा लेंगे 13 इंच पे। और इसके बाद देखिए, 1 इंच लेंगे यहाँ पे, गला है गले की साइड, और इसको देखिए ऐसे करके हमें नीचे की साइड थोड़ी सी ऐसे गोलाई में कटिंग करनी है। इससे क्या है, फिटिंग अच्छी आती है, नीचे की साइड थोड़ा हमें गोलाई में कटिंग करना है। तरीके से आगे का पल्लर हो गया। अब हमें लगाना है अपना टक्स का निशान, तो टक्स का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 9 इंच पे। अब अपना जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकाल लेंगे। तो हमारा कितना फिटिंग का कपड़ा था, 9.5 इंच, 1/2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई के लिए लिया, तो 10 इंच ले लेंगे। ये 10 इंच हो गया हमारा फिटिंग का कपड़ा। अब हमें 1/2 इंच तो यहाँ पे छोड़ के 9.5 इंच का आधा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगी हमारी प्लेट, क्योंकि प्लेट हमारी बराबर आनी चाहिए, कम ज़्यादा हो जाती है ना, तो इधर की साइड जाए इधर की साइड आए तो फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। इस तरीके से हम 1 इंच ले लेंगे, डबल करके प्लेट का निशान लगा लेंगे। इसी के बराबर एक प्लेट यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 2 इंच दूर रखनी है प्लेट, इस तरीके से 2 इंच दूर रखेंगे यहाँ पे,
इस तरीके चारों प्लेटें डल गई, चारों प्लेटों का निशान लग गया। अब ये हमारा तीरा है और ये हमारा पीछे का पल्लर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है उसको देखना है हमें, किसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हम इसको कैसे रखें। ज्यादातर कपड़े को इस तरीके से रखा जाता है, जो किनारी है ना इसको यहाँ से हमें डबल करना है। और इसके बाद देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे बाजू आ जाएगी, लेकिन ये बाजू को बॉर्डर को निकाल के बाजू की कटिंग की जाती है। तो बाजू की वीडियो मैंने बहुत बताई है, तो आप प्लीज चैनल में देख लें, क्योंकि हर तरीके का कपड़ा होता है, कम कपड़ा भी होता है, तो उसमें से हमें बाजू कैसे निकालनी है और ये बॉर्डर को कैसे लगाना है, तो प्लीज चैनल में जरूर देखें। वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है इंडियन टेलरिंग, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कपड़े को डबल करेंगे। तो यहाँ पे हमें पीछे का पल्ला रखना है, क्योंकि हमने इसमें गुंजाइश तो पहले ही ले ली है, 14 इंच की लंबाई, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे रखेंगे हम आगे का पल्ला, और यहाँ पे रख लेंगे अपना तीरा। और फिर भी ये काफी कपड़ा बचा हुआ है, ये इसमें से बाजू आ जाएंगी, बाजू किस तरीके से निकालनी है तो आप प्लीज चैनल में जरूर देखें, क्योंकि छोटा कपड़ा है तो उसमें से बाजू कैसे बनाएंगे। तो हर तरीके से मैंने बाजू की कटिंग बताई है और स्टिच, बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। इसी तरीके से आपको पहले पेपर पर कटिंग करनी है, फिर कपड़े के ऊपर। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।